मैं ट में भी फेल हो गया यहाँ तक मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया ताना मारते थे कि ये फलाना के लड़का है ये वीडियो बना मत रहे वीडियो बना बना के नकारा हो गए नालायक हो गए डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली अब मुझे इस दुनिया में जी करके ही क्या फ़ायदा मैंने सुसाइड करने का फैसला लिया हेलो दोस्तों मेरा नाम है राजा और मैं बिहार के राज्य से एक छोटे से जिला का रहने वाला हूं बचपन में धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ छः सात साल का उम्र हो गया हमारा तो फिर पापा बोले कि लड़का बड़ा हो रहा है ना तो इसको हम उत्तर प्रदेश ले जाते हैं वहाँ पे कोई हॉस्टल में इसको दाखिल दाखिल करवा देते हैं पढ़े लिखेगा और अच्छा कोई नौकरी वगैरह करेगा क्योंकि मैं घर पर पढ़ता लिखता नहीं था छः सात साल का उम्र था गाँव में गलियों में भटकता था बच्चों के साथ में ये नॉर्मली ज़िंदगी हमारे गाँव में होता रहता है तो मुझे उत्तर प्रदेश लिया गया यहाँ से कानपुर कानपुर जाने के बाद क्या हुआ कि एक हॉस्टल में मैं वहाँ पे दाखिल हुआ दाखिल होने के बाद हुआ कि पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा था बट वहाँ पे हमें एक रीज़न से छुपाया गया कि जो हमारे पापा मज़दूरी किया करते थे वो हमें बताते नहीं थे हमें रूम कहीं और दिलवाए थे और बोलते थे पढ़ाई लिखाई यहीं से करने तुम जाया करो मैं जो काम करता हूँ वो मत देखा करो बट मन में ऐसा भावना होता था कि पापा काम क्या करते हैं मुझे तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिए बट पापा नॉर्मली कपड़े में रहा करते थे फटे पुराने कपड़ा पहन के जाया करते थे तो, तो मुझे डाउट हो रहा था कि पापा करते क्या है तो हमने पापा को एक दिन जीत गया कि पापा मुझे भी फैक्ट्री ले चली मुझे देखना है कि आप काम क्या करते हैं तो उसके बाद पापा जी बहुत जीत करने के बाद पापा बोले कि उनको शर्म आती थी इस चीज़ को लेकर के कि अल बेटा है इस पढ़ता लिखता है इसको ले जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा मैं मज़दूर हूँ पापा हमें फैक्ट्री ले गए जिद करने के बाद तो जैसे मैं फैक्ट्री में गया तो इतने ज़्यादा मतलब गंदगी थी वहाँ पे लेदर फैक्ट्री में ऐसा होता है चमड़ा फैक्ट्री होता है उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरा पापा यहाँ पे काम करते हैं और जब मालूम पड़ा कि पापा का ड्यूटी 24 घंटा में से दो घंटा ही हमारे रूम पर आकर के सोते हैं और वहीं पे मिलते हैं हमसे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे पापा मेरे बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं मेहनत करते हैं तो मुझे भविष्य में ऐसा कुछ करना ही चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ बट क्या हो कि जिस हॉस्टल में पापा ने मुझे दाखिल करवाया था नाम लिखवाया था वहाँ पर क्या होता था कि कभी कभी फीस माफ़ भी हो, हो जाया करता था अगर आपके पास पैसे ना हो तो अगर आपकी मर्जी है तो दे सकते हैं कपड़े लद्दे के लिए ऐसा होता था बट वहाँ पे कभी कभी हमारे पापा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो माफ़ भी कर दिया जाता था ऐसा सीन होता था तो बट संडे के टाइम में क्या होता था कि हमारा क्लास होने के बाद जो है जब संडे को हम लोग फ्री होते थे तो स्कूल में एक एल लगा रहता था वहाँ पर फिल्म दिखाया करते थे तो बट एक फिल्म चला था लकी बाई चांस उसी दिन हमने उस फिल्म को देखा स्कूल में पढ़ने के दौरान ही तो उस फिल्म में ऐसा कहानी दिखाया जाता है कि फ़रहान अख्तर एक छोटे घर से लड़के एक स्ट्रगल करके और बहुत बड़े पर्दे पे बहुत बड़े फिल्मों पे आ जाते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे वीडियो वगैरह देखना कि एडिटिंग कैसे करते हैं वीडियो में एक्टिंग कैसे करते हैं कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं उनका हालचल रुतबा कैसा होगा किस तरीके से सेलिब्रिटी के पीछे लोग भागते हैं, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था हमें तो मैं सोचता था कि मैं नॉर्मल फैमिली से पापा ने हमें पढ़ा दिया इतना बहुत है ये सब करने से कुछ होगा नहीं तो वो मैंने मन में ठान लिया कि हाँ करना तो मुझे एक्टिंग है तो फिल्में हीरो जैसा बनने का मन था बट उसके बाद क्या हो कि जब वहाँ पे सातवीं कक्षा तक हमने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किया फिर उसके बाद क्या हो कि पैसे की कमी होने लगी फैक्ट्री जो है बंद होने लगा लेदर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो पापा फिर हमें गाँव ले आए गाँव ले आने के बाद क्या हुआ कि मम्मी बोली कि यहीं सरकारी स्कूल में इसका नाम लिखवा दीजिए पढ़े लिखेगा कोचिंग में जाएगा ऐसा सीन होता था मतलब हमारे बिहारी भाषा में बोला जाता था कि बऊआ के यहीं पर नाम लिखवा दो यहीं पढ़ते लिखते यहीं पर रहते तो मैं पढ़ने लिखने लगा फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेंथ मैंने पास किया टेंथ पास करने के दौरान ही मैं वीडियो वीडियो बनाता था चोरी छुप के इधर उधर पर फोन नहीं रहता था बस ऐसे ही मतलब डांस मत करता था स्टेज स्टेजेज पर जाकर के दोस्तों के साथ में तो ये सब सीन होता था बट उसके बाद क्या हुआ कि फोन का जमाना आने लगा एप्लीकेशन आने लगे कि तरह तरह के कि कि आप इस पे टैलेंट दिखा सकते हैं आप इस पे वीडियोस बना सकते हैं और लोगों के बीच में आप कुछ लेवल पे जा सकते हैं कुछ कमा सकते हैं ऐसा होता था पढ़ने के दौरान ही मैं वीडियोस वगैरह बनाता था छिप छिप करके और कोचिंग वगैरह किया करता था फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेंथ में मैं पास किया तो टेंथ में हमारा सेकेंड डिविज़न आया ये सबसे बड़ा मेरा लाइफ का पॉइंट था और उसके बाद क्या हो कि मेरे पूरे गांव में मेरे पूरे जो हमारे रिश्तेदार के लोग सब लोग ताना मारने लगे बोला कि लड़का पढ़ता था बड़ा अच्छा एकदम हैंडसम दिखता था बड़ा बाल बल सवार के चलता था हीरो बनना था उसको इस तरीके से बोलते थे ताने मारने लगे कि सेकेंड डिविजन आया है तो उस तर उस टाइम उस टाइम ऐसा हो गया था ना कि सब लोग डिप्रेशन में डालने लगे सब लोग ताना मारने लगे कि ये टॉप क्यों नहीं किया आपका एक ही लड़का है मैं भाई बहन में मैं इकलौता ही भाई हूँ तो सब लोगों ने बोला कि ये टॉप क्यों नहीं किया ये फर्स्ट डिवीज़न से क्यों पास नहीं हुआ तो मुझे इस बात के लिए दुख था फिर मैं पढ़ता गया पढ़ता गया फिर वह जब ट्वेल्थ जब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आया ट्वेल्थ का एग्ज़ाम भी दिया मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ट्वेल्थ में भी फेल हो गया फेल होने के बाद ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा लाइफ का जो सब लोगों ने मेरा साँस छोड़ दिया यहाँ तक मेरे माता पिता ने भी मेरा साँस छोड़ दिया मैं उस हालात पे चला गया था बट ट्वेल्थ में फेल होने के कारण क्या हुआ कि घर से बाहर निकलते थे तो हमारे जो दोस्त पास हो, पास हो गए थे फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न से वो ताना मारते थे कि ये फलाना के लड़का है ये वीडियो बना मत रहे वीडियो बनावाना के नकारा हो गए नलायक हो गए लड़कीबाजी के चक्कर में इधर उधर ये हमारे गाँव में आम भाषा में ऐसा होता था सुनना पड़ता था हमें क्योंकि वीडियो के लिए लड़की जरूरी होता था कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाया करते थे फिर उसके बाद 12th फेल होने के बाद ही मैं गाइस मैं एक चैनल बनाया जिसका नाम राजा ऑफिशियल वीडियो था जिसपे मैं एंटरटेनमेंट का वीडियो डाला करता था और उसके जैसे हमारे रिलेशन में कोई आ गए तो उनसे ₹50 रुप्या, ₹100 पांच ले लेते तो वो मिल जाता था तो वैसे पैसे इकट्ठा करके कैमरा भाड़ा पर लाते थे उस चैनल के लिए वीडियो बनाते थे तो वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि चैनल अच्छा खासा गया हमारा चौवन सौ सब्सक्राइबर भी गया और अप्रॉक्स धीरे धीरे व्यूज़ भी आ रहा था मोनिटाइजेशन के मोनेटाइजेशन उस टाइम मुझे पता नहीं था क्या होता है कॉपी स्ट्राइक भी क्या होता है ये भी नहीं मालूम था बट हमने एक गुजरात के भैया थे उनका हमने तीन वीडियो कॉपी कर लिया था कॉपी होने के बाद क्या हुआ कि मेरा चैनल जो है रिमूव कर दिया गया एक से डेढ़ साल मेहनत करने के बाद हमारे पास एक मेल आता है जिसपे लिखा होता है योर योर चैनल इज टर्मिनेटेड तो मुझे अंग्रेजी का उतना ज्ञान भी था ज्ञान भी नहीं था क्योंकि मैं ट्वेल्थ फेल था वैसे भी बट वीडियो बनाने का जुनून मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो चैनल रिमूव हो गया तो मैं डिप्रेशन साइड में मेरे कि इतना सारा वीडियो मैंने अच्छे अच्छे बनाए इतने पैसे इकट्ठे करके इधर उधर से मांग करके क्योंकि मैं उस टाइम भी नहीं कमाया करता था फिर उसके बाद वो चैनल रिमूव हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बताया कि देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता कुछ लोगों ने फिर उसके बाद मैं टिकटॉक ज्वाइन किया टिकटॉक ज्वाइन करने के बाद हो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगा शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि उस पर हमारे अप्रॉक्स आठ लाख फॉलोवर कंप्लीट हो गए मेहनत करने के बाद तो आठ लाख से ये होता है ना कि लोग जानने पहचाने लगे अगल बगल के लोग देखने लगे कि फलामा के लड़का ही वीडियो बना हुआ है ऐसा वैसा तो लोग आते थे मिलने के लिए बड़ा अच्छा लगता था ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ हो रहा है कुछ कर पाएंगे क्योंकि तो एक्टर एक एक के लिए और एक कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा ऑडियंस ज़रूरी होता है जो मुझे मिल चुका था उस टाइम में हमने सोचा कि चलो एक YouTube चैनल तो गवाही दिया हूँ उसके बाद क्या है कि अगर मैं TikTok पे अगर ये बढ़ रहा हूँ तो चलो अच्छी बात है धीरे धीरे मिलियन भी हो जाएंगे सब लोग फिर फैमिली भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे कि हाँ इतने फॉलोवर हो गए लोग इज्जत भी करना शुरू कर दिए कि हाँ भाई अच्छा मुकाम पर मिलियन लाइक जा रहे हैं इसके इस तरीके से फिर अचानक क्या रिसेंटली टिकटॉक भी बैन हो गया बैन होने के बाद क्या हो कि मैं घर आया घर आने के बाद क्या हुआ कि मम्मी बोली कि आज तो टिकटॉक बैन हो गलो बड़ा वीडियो बनबत तो रहे पढ़ाई लिखाई कर लेती रहा बारहवें पास हो जाती रहा तो कुछ अच्छा कर लेती रहा ये हमारा भाग हमारे भाषा में होता है हमारे मैथिली में बोला जाता है हमने कहा हाँ मम्मी ये बात तू तो सही बोल रही हम अगर पढ़ाई लिखाई कर लेती रे तो कहीं आगे बढ़ जाती ये सब करके हम अपन लाइफ बर्बाद कर ले लियो फिर उसके बाद मम्मी को कुछ भी नहीं हम बोले हम फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरा किचन रूम है मैं उसी में रहता हूँ क्योंकि मैं नीचे वाला रूम में जाते थे तो वीडियो वगैरह बनाया करते थे तो मम्मी पापा ताना मारते थे कि आ गली पंखा ए सी लागल हो खो बैठे में एगो बेटा आकी पढ़ची लिखची कुछ ना वीडियो सीडियो मछी बहुत तरीके का बात बुला करते थे फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस रूम में गया रूम में जाकर के मैं बैठा फिर सोचने लगा कि क्या मैं सच में ना कर रहा हूँ मैं वीडियो जहाँ पे बनाता हूँ सारा कुछ मेरे हाथ से निकल जाता है टिकटॉक भी बैन हो गया यूट्यूब चैनल भी टर्मिनेट हो गया मैं अच्छा खासा लड़का भी नहीं हूँ माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ कुछ नाम भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा सब लोग कहते थे तो मेरे अंदर न एक डिप्रेशन सा हो गया चारों तरफ से कि किसने क्या क्या बोला है तो डिप्रेशन में मैं चला गया डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में और लाइफ में कुछ नहीं हो सकता मैंने सोचा कि चलो फाइनली अब मुझे इस दुनिया में जी करके ही क्या फ़ायदा मैंने सुसाइड करने का फैसला लिया क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे ताने मारे थे कि टिकटॉक बैन होने के बाद यूट्यूब जाने के बाद कि हिजरा रही मौगा है हमारे भाषा में बोला जाता है कि लड़की वाला कपड़ा पहन के वीडियो बनावत रहे व्यू के चलते लाइक के चलते अगर कोई अच्छा काम करते रहे तो आगे बढ़ जाती रहे तो ऐसा डिप्रेशन होने लगा तो हमने सोचा कि चलो सुसाइड कर लेते हैं तो एक गमछा हमारे बिहार का एक शान होता है तो गमछा हम रखते ज़रूर थे वीडियो वीडियो बनाने के लिए अभी भी हम बैग में रखते हैं तो गुस्सा में हम ना बहुत बहुत डिप्रेशन में आ गए बहुत कि क्या बोला क्या नहीं बोला कलुआ कह के बुलाते थे लोग हमको बोलते थे कि आ, लड़का बिगड़ गए हैं अब कह के बोलते थे हमको मऊगा बोलते थे कि लिपस्टिक लगा के कभी कभी वीडियो बना लेते थे क्योंकि सबसे पहले मेरे लाइफ में एक चीज़ है कि मैं एक कलाकार था कलाकार का कोई जात नहीं होता है कोई उसका कैरेक्टर नहीं होता अगर कलाकार को अगर लड़की बनना है तो उसको लड़की बनाया जाता है लड़का का रोल करना है तो उसको लड़का भी रोल करना पड़ेगा फिल्म कैरेक्टर में फांसी लगाने के लिए तो गया था मेरा लाइफ का सबसे मुश्किल घड़ी है वो और मैं इस टाइम में वो चीज़ बोलने के टाइम में ऐसा लग रहा है कि मेरा मेरा पूरा शरीर जो है कप कपा रहा है वो ऐसा ऐसा फील हो रहा है अभी फिर जब सुसाइड करने के टाइम जब मुझे एक सोच आया जब फांसी लगाने गया तो तब मैंने सोचा कि मैं माँ बाप का एक लड़का हूँ अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी बहन की तो शादी हो ही जाएंगे कैसे भी करके पर मेरे माँ बाप को कौन देखेंगे लोग दुनिया ताना मारेंगे कुछ न करके ना निकम्मा रहे मर गए फिर उसके बाद मैंने कैसे भी करके अपने आप को मनाया पर रात भर मुझे नींद नहीं आया चौबीस घंटा यानी दो दिन से मैं सो नहीं रहा था मैं आंखें पूरे लाल थी कि नहीं कुछ करना है तो करना है फिर उसके बाद मैं मम्मी के पास गया मम्मी के पास जाकर के मैंने बोला मम्मी क्या हम परेशान कर रहे कभी ना कभी तो कमा कर देवे ना करब हमें वीडियो बनावे दे अगर वीडियो में सक्सेस हो तो जरूर कुछ देव अगर ना होबो तो समझ ले कि तुहर बेटा गए हम मम्मी को बोल दिए थे तो मम्मी बोली कि मतलब बोले दोसर के लड़का पढ़ाई लिखाई करी करीची तू वीडियो में लग लगल हम मम्मी को बोले एक मौका हम दे फिर उसके बाद क्या हो उस टाइम उस दौरान हमने फोटोग्राफी सीखा फोटोग्राफी धीरे धीरे सीखा तो फोटोग्राफी में काम करने के लिए जाते थे फोटोग्राफी हमने इसलिए सीखा कि ताकि कुछ पैसे आ जाए उससे मैं एक बढ़िया सा फ़ोन लूँ ठीक है तो फोटोग्राफी पे भी धीरे धीरे काम करने के लिए गया लेकिन फ़ोन वगैरह अफोर्ड नहीं हो पाया क्योंकि आज के टाइम में उस टाइम में आज के टाइम में तो सब कुछ ठीक है उस टाइम में क्या होता था कि दस हज़ार मेरे लिए दस लाख के बराबर थे नहीं हो पाया फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं काम के तलाश में गया बैंक में भी काम किया यूनियन बैंक में भी पर वहाँ पे काम करते टाइम ऐसा होता था कि अगर मैं कोई फिल्म में देख लेता था, था तो उलझन सी होती थी कि काश इसमें हम रहते रहा काश हमार नाम रहते रहे चाहे कोई यूट्यूबर को देखते थे हम सोचते थे काश हम इसमें हम होते मेरा जगह होना चाहिए था यहाँ पे डिप्रेशन सा फील होता फिर हम काम छोड़ के चले आए तो काम छोड़ के चले आने के बाद फिर मम्मी बोली कि देखो अब तुमको जो करना है ना मम्मी पापा सारा सब लोग पूरे खानदान ने मुंह मोड़ लिया कि देख तू बारहवीं फेल है पढ़ाई लिखाई करता नहीं है मम्मी भी बोली कि अब तुमको मरना है ना तो मरने देंगे बेटा क्योंकि अब हम नाम इज्जत नहीं डूबने देंगे हम लोग गांव से बिलोंग करते तुमको नौकरी तो करना ही होगा पढ़ाई लिखाई करो लेकिन मैं कहता था कि पढ़ाई लिखाई करूंगा लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता मम्मी वीडियो बनाने दो फिर मम्मी बोली कि तुम्हें जो करना है वो करो मेरा एक दोस्त था हरियाणा में रहता था वो काम करता था उसने भी मेरे साथ फ्रॉड किया फ्रॉड ऐसा किया उसने बोला कि राजा मेरा फ़ायदा उठाया कि राजा मैं हरियाणा में रहता हूँ अम्बाला साइड में तो यहाँ पे आप आ जाओ मेरे पास एक बैंक का नौकरी आप बैंक में सुने बैंक में नौकरी करते हो एक्टिंग भी करते हो आप आ जाओ यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस भी वहाँ मिलवा देंगे हमने कहा ठीक है तो यहाँ से मम्मी से जैसे तैसे करके हाथ पर जोर करके पापा को कि, पापा मैं अब जा रहा हूँ काम करूँगा तो पापा उस टाइम कानपुर में ही थे कानपुर वो वापस चले गए थे वो काम के लिए तो फिर क्या हुआ कि पापा को हमने कॉल किया पापा ने पैंतीस सौ रुपया मेरे पास भेजा बोला कि देखो इस पैसे से हो सकता है तुम करो अपना लाइफ को चेंज करो चमला पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ अलग ही सीन हो गया मुझे बुलाया गया दो दिन तीन दिन ट्रेनिंग देने के लिए बोलता था कि ट्रेनिंग पे चलो ट्रेनिंग पे मैं पूछता था कि भाई तीन दिन हो गया मुझे काम दिलवा दो बहन की शादी करनी है म, मम्मी पैसे के लिए बोल रही है कुछ तो मतलब मुझे ऐसा जगह बता दो कि मैं काम करूँ जहाँ से मुझे सैलरी मिल सके मुझे इधर उधर के बातों में मत फूंसलाओ फिर उसके बाद पता चलता है कि वहाँ जो है ना फ्रॉड सिस्टम हो रहा था कि एक दूसरे को आप नेटवर्क की मार्केटिंग में जोड़ सकते हो दूसरे आदमी को बुला सकते हो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया पूरा गुस्सा हो गया कि भाई मुझे मेरे साथ फ्रॉड आप लोगों ने क्यों किया पूरा ऑफिस में हंगामा हमने कर दिया कि आप लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया मेरा पैंतीस रुपया चला गया पैंतीस उस टाइम दोस्तों मेरे लिए बहुत कुछ था पाँच रुपये भी होते थे वो मेरे लिए बहुत था उस टाइम पैसे का अहमियत था मेरा लाइफ में क्योंकि मैं कमाता नहीं था फिर दोस्त ने दोस्त को मैंने बोला फिर गुस्सा भी किया उसके ऊपर फिर दोस्त ने बोला कि देखो माफ़ कर दे अब मैं ऐसे ही फंसाया जाता है लोगों को और ऐसे पैसा ऐठे जाते हैं फिर वहाँ से क्या हुआ कि मैं उसी टाइम निकल गया ऑफ़िस से ऑफ़िस से निकलने के बाद क्या हुआ कि आ, मैं घर नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था घर पर अगर पता चलता कि मैं वहाँ पर लड़ाई कर लिया हूँ काम मिला नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ट्रेन के पटरी में जाकर कट जब जब हम अम्बाला कैंड पर जब स्टेशन पर गए तो एक भैया थे वो पंजाबी टाइप के थे मैं बहुत रो रहा था वहीं पे बैठ कर बैग लेकर के कि शायद शायद हमारी किस्मत बहुत खराब है कहीं मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो गया था फिर क्या हुआ कि वहाँ बैठ बैठने टाइम में एक भैया रोते हुए देखे तो उन्होंने बोला कि कहाँ से उन्होंने बोला बिहार से हमने उन्होंने बोला पढ़े लिखे हमने कहा हाँ तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं उन्होंने एक एरिया बताया अमला कैंड के पास में कि आप आ, कितना डिग्री किए हुए हमने कहा दसवीं क्लास पास है तो बोला कि दसवीं ना तो कोई ना कोई कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा मैकेनिक का या फिर कोई देख रेख का या फिर मुंशी का मिल जाएगा पढ़े लिखे हो तो तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पैसे की मदद भी की हमें ढाई दो सौ रुपये दिया उन्होंने बोला कि आप जाओ ठीक है और अच्छे से घर चले जाना उन्होंने नंबर भी दिया मुझे कि इस इस नंबर पे कॉल करना लेकिन उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था तो जहाँ भी काम के लिए जाते थे बोलता था सॉरी सर आपका एज भी नहीं हुआ है उस टाइम मेरा एज था पंद्रह पंद्रह साल के करीबन था तो बोला कि आपका एज नहीं है दूसरी बात यहाँ पे काम के लिए ना बहुत मारामारी चल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे स्टाफ है काम के लिए ना कि आपको काम पे नहीं रख सकते हैं फिर उसके बाद क्या हो कि फिर दो दिन तीन दिन तक भटकता रहा भूखे थे बिल्कुल पाँव रोटी खाते थे पानी वानी पी करके फिर नहीं मिला काम लेकिन मम्मी कॉल करती थी दोस्त के बाद हमने बोल दिया था कि दोस्त को बोले ना कि तुम बताना कि राजा काम पे लगाओ ऐसा मत बोला नहीं तो मम्मी को सदमा पहुँचेगा उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो फिर दोस्त मेरा झूठ बोलता था कि ना राजा काम पे है पर वो टेंशन में था कि वो कहाँ गया होगा वो भी टेंशन में था फिर उसके बाद क्या हुआ कि काम नहीं मिला वहाँ पे फिर हमने लास्ट में पापा का नंबर याद था उस पर कॉल लगाया कि पापा अब हम हार गए हमारा काम ना मिल तो वो बोले कि ठीक है पापा लेकिन मेरी बात समझते थे मम्मी नहीं समझती थी मम्मी थोड़ा गुस्सा टाइप की थी पढ़ी लिखे घर से थी तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए था और अपने बेटियों को पढ़ाती थी तो हमको भी ऐसा बनाना चाहती थी बट मम्मी का भी एक जरूरी था कि हाँ बेटा अगर पढ़ रहा है पढ़ लिख ले तो कोई नौकरी वगैरह हो जाए ऐसा सीन था तो फिर उसके बाद पापा ने बोला कि देखो अपन माया के न बताइए चुपचाप चला चुपचाप चला अगर बता भी तो फिर हंगामा हो जाता हूँ फिर तोरा घर जाबी तो बहुत कुटाई लगता तो ऐसे मतलब हमारे बिहारी भाषा में बोलने लगे तो फिर हम पापा के पास जैसे तैसे करके गए तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं शुरुआती टाइम में पापा के साथ में गया तो वहाँ पे मैं रूम में रहता था फिर उसके बाद जब पापा लेके गए तो पापा बोले कि बेटा ऐसा काम कर जब रूम के पास गए वो फैक्ट्री पास में तो पापा बोले हमसे झूठ बोल लगे तू घर निकल जो कुछ पैसा दे चो बोलिए इतना कमा लिया मम्मी के दे दिया तो हम बोले ना पापा अब हमारा यहीं पर रखा अब ना जब हम कहा कि बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा गाँव से लिए कि कमाए फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पापा अपने फैक्ट्री में ले गए तो एक बोरी पल्ली में बांध करके रहते थे वो बगल में गैस रहता था वहाँ पे चूल्हा रहता था बट तब जाके मुझे रियल जर्नी पता चला कि मेरे पापा एक भिखारी की तरह एक एक छोटा सा एक पल्ली बांध करके एक गैस रख करके वहाँ पे खाना बनाते थे और उसमें रहते थे और उसी में छोटा सा एक बिस्तर लगा दे जैसे मैं देखा मेरा पाँव तले ज़मीन खिसक गया हमने कहा ऐसे जगह पर रहते मेरा इतना बड़ा घर है बिहार में इतना खेती है और यहाँ पर इस तरीके से पापा कमाते हैं बट वो खेती किस काम का वो घर किस काम का जहाँ पर कोई रोजगार ही ना हो पापा हमको पकड़ के रोने लगे बोले कि बेटा यही हमारी रियलिटी ज़िंदगी है अब मेरे मरने के बाद में तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है तुम बहनों की शादी करोगे तुम ही सब कुछ करोगे तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन में आ गए फिर पापा को रो, रोते देख करके हम रोए नहीं फिर हमने सोचा कि अगर हम रोएंगे ना तो बेटा रो देगा तो पापा और ज़्यादा टूट जाएंगे तो फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने संभाला हमने कहा पापा यही चमड़ा फैक्ट्री में हमें थोड़ा काम भी लादा हो यहीं से काम करवे यहीं से हम वीडियो बनाने के लिए सबके पास जाए फिर पापा जब हमें काम पर लेकर के गए तो बोला कि आपके लड़का को महीने रोज का सौ रुपया दिया जाएगा आज के टाइम में तो सौ रुपया कुछ भी नहीं है भाई ऑटो पे चढ़ के आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा तो सौ रुपया दिया गया सौ रुपया बोलता था कि आपको ये काम हम सीखा नहीं है बट क्या होता था कि भारी भरी चमड़ा जो गंदा गंदा होता था उसको मुझे आ, मेरे पीठ पर लाद करके लेकर जाना पड़ता था अभी भी ब्रोकन है मेरा रेड कार्डी तो उसको लाद करके ले जाना पड़ता था और पापा उसको सुखाते थे तो ऐसा सीन चलता था फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं काम करता गया काम करता गया तो फिर उसके बाद मेरा सैलरी जो है डेढ़ सौ हो गया डेढ़ सौ हो गया लेकिन काम क्या करते थे सुबह छह बजे जाते थे रात में नौ बजे दस बजे ग्यारह बजे एक बजे वापिस सौ रुपया में लौट करके आते थे ऐसा होता मेरे पापा को चार सौ मिलता था हमें एक सौ रुपया मिलता था ऐसा सीन था फिर क्या हुआ कि आ, उसी में से क्या होता था कि आ, महीना जब लगता था मंथली आता था हमारा वो पापा का महीने का तो उसी मंथली में से पापा छः सौ सात रुपये हमको काट कर दे देते थे कि तुम वीडियो बनाओगे ना तो मैं क्या करता था कि मेरा एक आदत था आ, कि मैं कोई एक सेलिब्रिटी से मिलूंगा जा करके जो हमसे बड़े यूट्यूबर हैं और उनके साथ मैं वीडियो बनाऊँ शायद मैं वायरल हो जाए तो कुछ लोग हमें पहचान ऐसा मोटिव था हमारा तो मैंने ये दिमाग लाया कि चलो यूट्यूब पर कुछ करूँगा फिर उसके बाद मैंने एक राजा ब्लॉक नाम यूट्यूब चैनल शुरू किया वही कानपुर उत्तर प्रदेश में उसी टाइम क्रिएट किया फिर मैं वहीं से मैं एक क्रिएटर है जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा काफ़ी पॉपुलर है तो उनके घर में गया पाँच सौ रुपये लेकर के तो उनसे मैंने बोला कि दीदी आप क्या इंटरव्यू दे सकते हो उन्होंने बोला बिल्कुल इंटरव्यू उन्होंने दिया उन्होंने बोला कि आप तो टिकटॉक पे भी पॉपुलर थे ऐसे कैसे हमने कहा दीदी अब सब समय होता है मेरा स्ट्रगल चल रहा है थोड़ा सा आप आ जाएगी वीडियो तो वीडियो वायरल हो जाएगा फिर क्या हुआ मैं वीडियो बना करके वहाँ से निकला तो बट उस टाइम रियल स्ट्रगल था मेरा लाइफ का जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा ना तो टिकट नहीं होता था टिकट के लिए पैसे अफोर्ड नहीं होता था लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो टिकट के लिए पैसा नहीं होता था ट्रेन में चढ़ तो गए चढ़ने के बाद क्या हुआ कि टी टी आ गया टी टी आ गया तो सबको क्या होता है ना कि वो सबसे टिकट विकट मांगते हैं तो हमें डर लगता था टी टी से तो हम ना डर के मारे बैग लेकर के बाथरूम में ही घुस गए खाए पिए नहीं थे भूखे प्यासे थे पाँच सौ में कितना आना जाना गोरखपुर से कानपुर बहुत दूरी पड़ता था फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना एक दस टाइप का आने लगा मैं उसी में बेहोश हो गया पूरा एकदम जो उसके अंदर का लेटरिंग वगैरह था पूरा हाथ वाद में सब में लग गया अजीब सा मतलब मैं उसी में बेहोश हो गया फिर उसके बाद कोई लेडीज आई वहाँ पे शौचालय के पास में वो देखी कोई एक व्यक्ति इसने पड़े हुए तो उन लोगों ने दरवाजा तोड़ा फिर मुझे निकाला फिर उन्होंने पानी दिया फिर मेरा पूरा ये सब नहलाया साफ अफ किया फिर बोला बेटा कहाँ से हो हमने कहा वीडियो बनाते हैं यहाँ यहाँ से आए थे तो फिर उसके बाद क्या हो कि पापा मम्मी को ये बात हम अभी बता रहे कभी भी हमने अपने वीडियोस में नहीं बताया मैं पापा मम्मी को भी ये बात हमने नहीं बताया फिर रूम पे आ जाया करते थे ऐसे करके वीडियो चलता रहा चलता रहा फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि आ, मेरे चैनल पे करीबन अप्रोक्स तीन से चार हज़ार सब्सक्राइबर हो गए वो वीडियो वायरल गया तो वीडियो वायरल जाता था तो क्या होता था कि जो हमारे टिकटॉक के ऑडियंस थे आठ लाख वाले वो वो कहते थे ये वही लड़का है ये वही लड़का है अब यूट्यूब पे आया तो वो बोलता था हमसे क्वेश्चन करते जो हमारे ऑडियंस थे जो हमारी पहचान में वो कहते थे कि आप अपनी फैमिली से मिलवाओ तो फैमिली से मिलवाया कैसे क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि फैमिली से किस तरीके से मिलवाया क्या अगर, अगर अपनी बहू बेटियों को अपना ब्लॉग में अगर दिखाएंगे तो लोग बहुत तरीके का ताना मारेंगे उसके बाद हमारा जो हमने इंटरव्यू लिया था धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुआ किस्मत के हिसाब से फिर उसके बाद कमेंट आने लगे लोगों ने बोला कि भैया आप अपने फैमिली से मिलवाइए फिर उसके बाद मैं गांव आया वापस फिर मम्मी पापा को सबको हमने समझाया कि मैं फैमिली ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूं आप लोग साथ दोगे तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल तो क्यों क्योंकि हमारा ए, जब इंटरव्यू वाला वीडियो जब वायरल हुआ था हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था फर्स्ट पेमेंट आने के बाद क्या हुआ कि मैं जब मैं मम्मी पापा को दिया तो वो भावुक हो गए यूट्यूब के पेमेंट से तब उनको लगा कि हाँ यूट्यूब पे कुछ पैसा है कुछ पैसा है उसके बाद उन उन लोगों ने राजी मंदी की कि हाँ आप अब फैमिली ब्लॉग बना सकते हो फैमिली ब्लॉग बनाओ तो मम्मी पापा को हमने वीडियो में कवर किया अपना घर दिखाया और आज राजा ब्लॉग के नाम से पूरे बिहार में सब लोग प्यार करते हैं और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर तीन लाख का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है और हर महीने मैं यूट्यूब से अभी के टाइम में पचास हज़ार से ऊपर या फिर लाख से ऊपर भी कमा लेता हूँ और उसी यूट्यूब के पैसे से मैंने अपनी छोटी सिस्टर रागनी दीदी का मैंने शादी किया प्रोक उसमें दस लाख रुपये खर्च हुआ जो मैंने यूट्यूब से ही मैंटेन किया सारा कुछ उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गाँव वाले जो लोगों का जो नजरिया था लोग हमसे मिलने के लिए आने लगे राजा का घर का है राजा का घर है लोग ढूंढने लगे कि राजा भैया के घर उनसे मिलने जाना है तो गांव वालों को थोड़ा सा लगा कि हाँ लड़का कुछ अच्छा काम कर रहा है इतने दूर दूर से मीडिया वाले आ रहे हैं सब इसका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं तब जाके गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा अभी के टाइम में मेरा गांव का माहौल थोड़ा सा पहले से बहुत ज़्यादा चेंज है और गांव का हर एक लड़का मेरे जैसा बनना चाहता है कि राजा भैया की तरह मैं वीडियो बनाऊं और मैं उसी की तरह सक्सेस हूं क्योंकि जिस गांव में आई एस बनते थे जिस गांव में कह सकते सरकारी नौकरी के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है बोला जाता है कि तुम सरकारी नौकरी करोगे और दूसरा काम नहीं करोगे उस गाँव से मैं निकल करके राजा ब्लॉग आ जाए एक यूट्यूब से थोड़ा सब के अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा देखा है सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करती रहू